आज हम लोग जो है रिलेटिव मोशन से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि जेई मेंस 2019 में पूछा गया था, है ना। ये जो क्वेश्चन है रिवर बोट प्रॉब्लम से रिलेटेड है और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आपने मेरा वीडियो लेक्चर देखा होगा उसमें जो भी मैंने फॉर्मूले डिराइव करा है रिवर बोट प्रॉब्लम से रिलेटेड, अगर वो फॉर्मूले अप्लाई करेंगे तो सीधे फॉर्मूला अप्लाई करने से इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। ठीक, तो ये जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है द स्ट्रीम ऑफ ए रिवर इज फ्लोइंग विथ स्पीड ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर, अ स्विमर कैन स्विम एट स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर, व्हाट शुड बी द डायरेक्शन ऑफ द स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू फ्लो ऑफ रिवर टू क्रॉस द रिवर स्ट्रेट। क्रॉस द रिवर स्ट्रेट का मतलब है डायरेक्ट क्रॉस करने वाला केस है, है ना। मैंने अपने वीडियो लेक्चर में डायरेक्ट क्रॉसिंग का एक स्पेशल केस बताया है और उसी को हम लोग शॉर्टेस्ट पाथ वाला भी कहते हैं, है ना। तो उसमें होता क्या है कि अगर कोई ऑब्जर्वर ग्राउंड पर बैठा है तो इसको बोट जो है यहां पर स्विमर है जो कि रिवर बैंक के बिल्कुल परपेंडिकुलर जाता हुआ दिखेगा, मतलब पॉइंट ए पर है तो उसको पॉइंट बी पर जाना है। तो ग्राउंड पर बैठे ऑब्जर्वर को ये सीधा जाता हुआ दिखेगा, इसका मतलब ये है कि जो बोट की वेलोसिटी है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, वेलोसिटी या बोट वो इधर होनी चाहिए। ठीक, तो बोट की वेलोसिटी जो रिवर के रेस्पेक्ट में है, जो वाटर के रेस्पेक्ट में है, वो किधर होना चाहिए? वो होना चाहिए कहीं ऐसे, है ना। अगर बोट इधर जाने की कोशिश करेगा, मैं यहां पर बोट के बारे में बोल रहा हूं, है ना, क्योंकि मैंने थ्योरी में बोट के बारे में ही बताया है, आप बोट को यहां पर स्विमर समझ सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहां पर बात कर रहा हूं बोट की। तो अगर बोट इस ऑब्जर्वर को इधर जाता हुआ दिखता है तो रिवर के रेस्पेक्ट में वो कहीं ऐसे जाना चाहिए। रिवर के रेस्पेक्ट का मतलब होता है कि उसकी जो इंजन वाली वेलोसिटी है वो वाली, मतलब वो ऐसे जाने की कोशिश करेगा तो रिवर फ्लो इधर हो रहा है ना, तो वो उसको थोड़ा सा इधर बहा कर ले जाएगा, यानी ये सीधा पार करेगा। तो ये जो है इसको कहते हैं VVR, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू रिवर और वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू वाटर। और ये हो गया VR, वेलोसिटी ऑफ रिवर और वेलोसिटी ऑफ वाटर, ऐसे है ना। जो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं ना, VBR इज इक्वल टू VV माइनस VR, ये होता है। तो इसमें VBR प्लस VR इसको ऐड करते हैं तो ये VB के इक्वल होता है। ये ध्यान रखना है कि ये जो होता है ये इंजन वाली वेलोसिटी ये होती है, मतलब बोट की, अगर बोट जो है इंजन से चल रहा है तो वो वाली वेलोसिटी ये होती है। ठीक, ये होता है वाटर का वेलोसिटी, मतलब वाटर के वेलोसिटी और रिवर का वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। ठीक, और ये होता है बोट का वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना, ये है विथ रेस्पेक्ट टू रिवर। और ये एक्चुअली में इंजन वाली जो वेलोसिटी होती है, इंजन की वजह से जो होती है वो वाली होती है। और रिवर में क्या होता है, वाटर फ्लो हो रहा था, तो वाटर फ्लो जो है वो भी कुछ उसको वेलोसिटी जो है वो देता है, और उस दोनों वेलोसिटी जो है, ये इंजन वाली वेलोसिटी, ये वाटर वाली वेलोसिटी, दोनों का जो रिजल्टेंट है उसके हिसाब से ये चलता है बोट। तो वही यहां पर दिखाया है, VVR और VR को ऐड किया, आपने देखा होगा यहां पर कि हेड और टेल मिल रहा है, फ्री टेल से फ्री हेड मिलाएंगे तो रिजल्टेंट यानी कि VV मिलना चाहिए, है ना। तो ये VV है, ये जो एंगल है ये थीटा यहां पर हमें फाइंड करना है। हालांकि हमसे यहां से पूछा गया है ये एंगल टोटल पूछा गया है, तो पहले हम लोग ये थीटा निकाल लेते हैं, उसमें ये 90 ऐड कर लेंगे, है ना। तो ये अगर थीटा निकालना हो तो इसमें साइन थीटा का वैल्यू आएगा कितना, VR डिवाइडेड बाई VVR, है ना। तो जो VR है वो रिवर की वेलोसिटी है, यानी रिवर वाटर की वेलोसिटी है, जो कि इस क्वेश्चन में दिया गया है 2 किलोमीटर पर आवर, ये दिया गया है 2 किलोमीटर पर आवर। और VVR जो होता है ये बोट की वेलोसिटी होती है इंजन की वजह से, या यहां पर स्विमर की वेलोसिटी है। स्विमर अगर जो मतलब कि अगर वाटर स्टेशनरी हो उसमें स्विमर कितनी वेलोसिटी से चल सकता है, है ना, वो बोट की वेलोसिटी होती है। अगर पानी स्टेशनरी है, वाटर रुका हुआ है, तो बोट अपने इंजन की वजह से जो चल सकता है जिस वेलोसिटी से, वो VVR होता है,
है ना। इसको काफ़ी डिटेल में मैंने अपने वीडियो लेक्चर में समझाया हुआ है कि वो इंजन की वेलोसिटी क्यों होता है, ये है ना। आप वो अगर देखना हो तो वो देख सकते हैं। तो यहाँ पर VVR के जगह पर हम लोग क्या रखेंगे, स्विमर की वेलोसिटी रखेंगे, है ना। स्विमर की वेलोसिटी ये वाटर के रेस्पेक्ट में होता है, तो इसको हम लोग लिखेंगे 4, तो ये आ गया 1/2। तो देखेंगे कि थीटा का जो वैल्यू है ये आया 30 डिग्री, मतलब ये जो परपेंडिकुलर लाइन है ये भी रिवर बैंक के परपेंडिकुलर, उससे 30 डिग्री के एंगल पर इसको चलना चाहिए। जब इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट शुड बी डायरेक्शन ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू फ्लो ऑफ रिवर टू क्रॉस द रिवर स्ट्रेट, है ना। विथ रेस्पेक्ट टू फ्लो ऑफ रिवर, मतलब रिवर किधर फ्लो हो रहा है, इधर, ये VR का डायरेक्शन है। तो VR से इसके बीच का एंगल टोटल पूछा गया है ना, जो स्विमर की वेलोसिटी का डायरेक्शन है उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन कहां से पूछा गया है, रिवर फ्लो के डायरेक्शन से। तो ये टोटल एंगल हमें फाइंड करना है, जो कि ये 90 और प्लस थीटा कितना आएगा। तो अपना जो आंसर यहां पर आना चाहिए 90 प्लस 30 डिग्री यानी कि 120 डिग्री होना चाहिए। तो देखेंगे यहां पर जो है बी ऑप्शन में 120 डिग्री दिया हुआ है, तो ये जो है करेक्ट ऑप्शन है।